वह नासमझ खेलने के लिए बहुत छोटी थी, फिर उसने स्पैक्स का आविष्कार किया। अब वह एक अरबपति है। जब सारा ब्लिकली ने फैक्स मशीनों को दरवाजा से दरवाजा बेच दिया, तो वह नहीं सुनवाई करने के लिए इस्तेमाल हुई। मैं जानता था कि नहीं प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा था, स्पैक्स संस्थापक ने बताया। इससे पहले कि आप वास्तव में हाँ पर पहुंच सके, आपको नहीं सुनना होगा। इससे पहले कि फोर्ब्स ने 2012 में अपने सबसे छोटे आत्मनिर्भर महिला अरबपति का नाम रखा, ब्लेकॉली में काफी विफलताएं थी। सबसे पहले ब्लेकॉली एक वकील बनना चाहती थी, लेकिन वह काम नहीं कर सका। मैं मूल रूप से एलएसएटी पर हमला किया, ब्लेकॉली ने कहा। फिर उसने डिज्नी वर्ल्ड पर गोजी होने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत छोटी थी ब्लेकली करने के लिए। ऐसा लगा जैसे वह रॉक नीचे मारा था। डिज्नी से नो के बाद ब्लेकली को फैक्स मशीन की नौकरी मिली, जो उसने 7 साल तक की थी। वहां वह रिजेक्शंस की एक सतत स्ट्रीम का सामना करना पड़ा। मुझे लगातार इमारतों से बाहर ले जा रहा था, ब्लेकली ने याद किया। लोग मेरे चेहरे पर मेरे व्यवसाय कार्ड को चीर देंगे, जो एक सामान्य घटना थी। लेकिन ब्लेकली विफलता से कभी डगमगा नहीं था। बढ़ते हुए मेरे पिताजी मेरे भाई को प्रोत्साहित करते थे और मुझे विफल करने के लिए, उसने कहा। उस समय मुझे इसका एहसास नहीं हुआ, परंतु वह मेरे लिए विफलता को फिर से परिभाषित कर रहा था। असफलता की कोशिश नहीं हुई, न कि परिणाम। वह मानसिकता और उसके अनुभवों ने उसे अपना व्यवसाय शुरू करने की चुनौतियों के लिए तैयार किया। फैक्स मशीनों को बेचने के वर्षों के बाद ब्लेकली एक बदलाव के लिए तैयार था। एक दिन मैंने सड़क के किनारे को खींच लिया और मैंने सचमुच सोचा, मैं गलत फिल्म में हूँ। उसने अपने जीवन का भंडार लिया, उसने अपनी शक्तियों का मूल्यांकन किया, बिक्री और लिखा है कि वह एक नोटबुक में क्या चाहता था। मुझे लिखना समाप्त हो गया। मैं एक ऐसे उत्पाद का आविष्कार करना चाहता हूँ जिसे मैं लाखों लोगों को बेच सकता हूँ, जो उन्हें बेहतर महसूस कर सकेंगे। कुछ साल बाद 27 ब्लेकली को पता नहीं था कि सफेद पैंट की एक जोड़ी के नीचे क्या पहनना चाहिए। सब कुछ दिखाया, उसने याद किया। सब कुछ वास्तव में असुविधाजनक था या बाध्यकारी था। यह एक पंक्ति या उभारना छोड़ दिया था, या कुछ मेरे कपड़े के माध्यम से देख सकता था। इसलिए मैंने एक बेहतर समाधान का आविष्कार करने का निर्णय लिया, ब्लेकली ने कंट्रोल टॉप चड्डी की एक जोड़ी के पैरों को कट दिया आकार के एक प्रारंभिक संस्करण, जो उसे प्रसिद्ध बनाते थे। क्योंकि उसने लक्ष्य वर्ष पहले निर्धारित किया था, ब्लेकली ने कहा। वह तुरंत एक अवसर के रूप में कार्रवाई को मान्यता दी। ब्लेकली ने होजरी निर्माताओं और पेंटिनली पेटेंट शोध शुरू कर दिया। उसने उत्तरी कैरोलिना में एक सप्ताह का दौरा किया और अंत में किसी को अपने उत्पाद बनाने के लिए तैयार किया। आखिरकार वह अपने पहले बड़े खाते उतरा नीमन मार्कस। नया उत्पाद प्रसार का शब्द लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। ओपरा विन्फ्रे सहित जिन्होंने स्पैक्स को 2000 में पसंदीदा चीजों की सूची में रखा था, केवल 2 साल बाद ब्लेकली ने उसे चड्डी काट दिया। यह ब्लेकली के लिए एक बड़ा क्षण था। ओपरा की पसंदीदा चीज के रूप में चुना जाना मेरे लिए वास्तव में मान्य भयानक क्षण था। ब्लेकली में कोई औपचारिक व्यापार प्रशिक्षण नहीं है, लेकिन वह रहती है जिसे वह उद्यमी जीवन कहते हैं। सही मानसिकता के साथ आप जीवन को बहुत बड़ा और आप कभी भी कल्पना की तुलना में बहुत अधिक जी सकते हैं, उसने कहा। और उसकी सफलता के बावजूद वह अभी भी संदेह का क्षण है, उसने कहा। यह किसी चीज का आविष्कार करने का जोखिम है। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत है जो पहले से मौजूद नहीं था, जो डरावना है, क्योंकि वही है जहां आत्मसम्मान सबसे प्रमुख है। एक महिला उद्यमी के रूप में संदेह की भावना भी अधिक स्पष्ट हो सकती है।
आप सिर्फ इतना समझते हैं कि हर किसी के पास इतना चालाक है और आपकी तुलना में अधिक योग्य हैं। फिर एक दिन आप जागते हैं और आप जाते हैं, क्या होगा अगर यह मुझे है, क्यों नहीं? बल्कली को उन जोखिमों को लेने के लिए अधिक महिलाएं चाहिए। मेरा सपना बहुत अधिक महिला अन्वेषकों के लिए है, उसने कहा। हमें महिलाओं के योगदान की आवश्यकता है।